पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व संवाद केंद्र द्वारा 27 मई को आयोजित नारद जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यासकार पटकथा लेखिका स्तंभ लेखिका अदिता काला महानगर के होटल ड्राइविंग 24 में पत्रकारों से मुखातिब हुई। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वो फिल्म कथा उपन्यास कहानी मनोरंजन के लिए लिखती हैं, जबकि स्तंभ लेखन समाज को जागृत करने और बदलाव लाने के लिए करती हैं। मुझे बहुत सैटिस्फाइंग लगता है क्योंकि हर जो कहानी होती है, क्योंकि अगर आप नॉन फिक्शन भी लिख रहे हो, वास्तविकता की भी बात कर रहे हो, उसका भी एक मीडियम होता है, क्योंकि कभी कभी उसको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली हम उसकी कहानी बता सकते हैं, कभी स्तंभ लेखन में बता सकते हैं, कभी फिल्म को उसको फिक्शनलाइज करके बता सकते हैं। तो मुझे मेरा यही सोच है कि किरदार जो है, कहानी जो है, वो डिसाइड करती है कि आप किस फॉर्मेट में इसे बताते हैं, कि दुनिया के साथ शेयर करते हैं, फिल्मों के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, या स्तंभ लेखन के द्वारा, या उपन्यास के द्वारा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। जी सिने अवार्ड प्राप्त कहानी फिल्म की पटकथा से समाज के अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। केरल की राजनीतिक हिंसा पर चर्चा करने पर उनसे प्रश्न पूछा कि इसका समाधान क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 में जब देश की सेकुलर राजनीतिक पार्टियां कन्हैया को अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुई थी, उसी समय केरल में सुजीत नाम के एक संघ कार्यकर्ता की बर्बरता पूर्वक हत्या की गई, जो सरिया के हालत की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये जगह अगर मैं राजनीतिक हिंसा के बारे में लिखती हूँ केरल में, और जो वहाँ पे जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और पिछले 40 साल से मारा जा रहा है, और किसी ने इसकी बात भी नहीं की, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो छोड़िए, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो जब मैं उनके बारे में लिखती हूँ, जब मैं स्तंभ लेखन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, कोई इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन मानव अधिकारों का इंटरवेंशन होना चाहिए, तो उसमें तो मेरा मोटिव है चेंज। अपनी भावी योजनाओं में उन्होंने बताया कि वो फिल्म निर्देशन में जाना चाहती हैं। अभी एक मनोरंजन कहानी पर कार्य चल रहा है। इस अवसर पर विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता, हरिमोहन गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। ज्यादातर मेरी रुचि होती है महिला सशक्तिकरण के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत ही समस्याएं हैं, और हमें महिलाओं की जो कहानियाँ हैं उनको सामने लाना चाहिए। क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस तो है ही, ये इसे हम नहीं मुड़ सकते, ये इशू है। बहुत लोग, जैसे मैं ये राजनीतिक हिंसा की बात कर रही हूँ केरल की, ये आज की बात नहीं है, ये 1948 से चला आ रहा है, जहाँ दूसरे सरसंचालक गए थे वहाँ केरल, श्री गुरु जी, तब से उनको एक सभा में ये वायलेंस शुरू हुआ था। तो आप तब की बात कर रहे हैं, पर ये कभी अब तक सामने आया ही नहीं है, पिछले 2-3 सालों में ही सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों क्रेडिबिलिटी क्राइसिस चल रही है, क्योंकि कुछ पक्षपाती विचारधारा के लिए न्यूज़ दबाया जाता है, कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, जो मिडिल ग्राउंड, जो न्यूट्रल ग्राउंड, जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट या मीडिया को लेना चाहिए, वो बहुत सी रीजंस के लिए नहीं हुआ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।